हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का। हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स इस टाइम महाराष्ट्र से हैं वो सेफ हैं और उनके घर में सब ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स, रुक करते हैं आज की पहली स्टोरी का। वो हमारे पास आई है कि एक ऐप है, रिमूव चाइना एप्स, काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था पिछले कुछ दिनों में। आज उसे गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर ने कहा है कि हमने इसलिए हटाया है क्योंकि वो हमारी पॉलिसी वायोलेशन कर रहा है। और गूगल के मुताबिक वो ऐसे एप्स को हटा देते हैं जो मॉडिफाई कर देता है डिवाइस सेटिंग और साथ ही साथ फीचर्स को चेंज कर देता है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये भी बता देते हैं जो इस ऐप के डेवलपर्स है उन्हें लिखा है, थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट इन द पास्ट 2 वीक्स, यू आर ऑसम एंड अवर ऐप हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द प्ले स्टोर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं एप्स के ऊपर कि सिक्योरिटी की वजह से हट तो गया है कि गूगल ने अभी आइडेंटिफाई किया, लेकिन प्ले स्टोर पे काफी टाइम से ये ऐप था। तो अभी तक क्या गूगल बाबा सो रहे थे क्या? उन्हें पहले चेक नहीं कर सकते थे कौन कौन सी चीजें वायलेट हो रही हैं? तो यहां पर सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है कि भैया, अगर ऐप चेक कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई सिक्योरिटी वायलेशन तो नहीं कर रही है, तो पहले एप्पल स्टोर में देख लो अगर वो ऐप वहां पर है, यानी कि उसके सिक्योरिटी फीचर्स काफी स्ट्रांग है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो सीधे प्ले स्टोर में आ जाते हैं लेकिन सिक्योरिटी के मामले में वो होते हैं बड़े कच्चे। ओप्पो 17 जून को करने वाले है अपने दो नए स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, और इन फोन्स का नाम है ओप्पो फाइंड F2 और फाइंड F2 प्रो। और साथ साथ आपको ये भी बता दें, ये आपको मिलेगा Amazon पे। और कुछ इन्फॉर्मेशन आई है इसके प्राइस के बारे में, ऐसा लगता है कि इसका प्राइस 69,990 होने वाला है, पर ये अभी कंफर्म नहीं है। और अगर की स्पेक्स की बात कर ले इन फोनों की, तो इसमें आपको मिलेगा 6.7 इंच का क्वाड HD प्लस डिस्प्ले, और साथ ही साथ ये रन करेगा स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर पे। और बैटरी के मामले में इसमें होगा 4,260 mAh की बैटरी जो सपोर्ट करेगी 65 वॉट बुक चार्जर। डिजी लॉकर जो एक ऐप है जहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार वाधार रखते थे, और गवर्नमेंट उसको मान्यता भी देती थी, कहती थी हाँ जो इसमें ऐप्स हैं आप यूज कर सकते हैं। एक भाई साहब हैं जो एक बार ये ऐप देख रहे थे और वो टेकी बनते हैं, वो टेक्नोलॉजी काफी साउंड है, उनने इस ऐप में एक बग पाया जिसकी वजह से आप बाईपास कर सकते हैं उसके सिक्योरिटी मेजर्स। उसके बाद उन्हें जो सर्टेन है जो एजेंसी है जिसने ये ऐप बनाया है गवर्नमेंट की, उनको बताया तो उन्हें ये बग्स ठीक तो कर दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब इतना टाइम से हम इसको यूज कर रहे थे और सिक्योरिटी मेजर्स इसमें थी, अब मालूम नहीं है कि इसमें किसी ने डेटा चोरी वोरी तो नहीं कर लिया, क्योंकि जो एक छोटा सा कोडिंग चेंज करके लोग पूरा का पूरा डेटाबेस एक्सेस कर सकते थे जो भी लॉकर में ऐप्स थे। लेकिन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया है कि ये ऐप बिल्कुल सेफ है और जो भी सिक्योरिटी इश्यूज है उनका हमने ख्याल रख लिया है। जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अगर आप यूजर हैं, उसका फ्री अकाउंट यूज करते हैं, तो आपके जो भी वीडियो और ऑडियो कॉल्स है वो इनक्रिप्टेड नहीं रहेंगे। तो उसका मतलब सिंपल है कि आपके जो सिक्योरिटी लेवल रहेगी जूम यूज करते हुए, अगर आप फ्री ऐप यूज कर रहे हैं उनका, तो सिक्योरिटी लेवल होगी कम। और इसका जो रीजन दिया है जूम ने वो कहा है कि हम लोग यूएस के साथ जो FBI है उनके साथ मिलजुल के काम करना चाहते हैं, इसलिए हम इंक्रिप्शन हटा रहे हैं ताकि वो किसी को भी ट्रैक कर सके। अब इससे ये सवाल उठता है कि जो इतने सारे 200 मिलियन यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं अभी फ्री अकाउंट, उनकी सिक्योरिटी कहीं खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि हमने पहले भी देखा है जूम ऐप में काफी वल्नरेबिलिटीज हैं जिन्हें लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है। तो यानी कि जो भी ऐप बन रहे हैं ध्यान में रख रहे हैं कि यूएस वाले क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी जिन लोगों ने यूज किया उसके लिए तो कोई जवाब नहीं। और पिछले काफी टाइम से जूम पुश कर रहा था अपने आप को कि आप हमें यूज करो, हम फ्री अकाउंट हमारा बहुत है, बढ़िया है, ये है वो है, लेकिन जब सिक्योरिटी का मामला आया तो हाथ खड़े कर लिए। आज Amazfit ने एक नई स्मार्ट वॉच कर दी है लॉन्च, और इसका नाम है Amazfit Bips और दाम रखा गया है 4,999। ये आपको Amazon, Flipkart और Myntra पे मिल जाएगी। और अगर मेन मेन फीचर्स बात कर लें इस वॉच के, तो इसमें आपको मिलेगा 1.28 इंच का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा, साथ ही साथ ये वाटर रेजिस्टेंस भी है 50 मीटर तक, और GPS ट्रैकर भी है इसमें। और बैटरी के मामले में इसमें आपके पास मिलेगी 200 mAh की बैटरी। OnePlus के लेटेस्ट फोन OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro, इससे लेके बहुत सारे यूजर्स इनके पास ये स्मार्टफोन आ चुके हैं, उन्होंने कंप्लेंट किया है कि इसमें HD वीडियोस प्ले नहीं हो सकते हैं। कंपनी ने कहा है जी हाँ हमें पता लग गया, अब हम इस पर काम कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अपडेट जून महीने के एंड में।
प्रिंस जी थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लगता है कि एक फोन लॉन्च करते हैं साल में और वो भी जब भी लॉन्च होते हैं उनके नए नए फोन वन प्लस के कुछ ना कुछ बग रह ही जाते हैं और फिर फिक्स होने में भी टाइम लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आइडेंटिफाई हो गए एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में निकाल देंगे, नहीं पूरा जून निकालने वाले हैं और अच्छी बात है अगर जून एंड तक इसका अपडेट आ जाए। सैमसंग ने अपने सब प्रोडक्ट्स पे जो वारंटी है वो 15 जून तक बढ़ा दी है। ये दूसरी बार है कि उन्होंने एक्सटेंड की है वारंटी और थोड़े दिनों में आप बाकी ब्रांड्स भी देखेंगे वो भी कह रहे हैं कि हम भी अपनी वारंटी एक्सटेंड कर रहे हैं। इससे पहले सब लोग ने मई तक एक्सटेंड की हुई थी। पोको कंपनी अपना एक नया फोन टीज कर रही है सोशल मीडिया हैंडल्स पे और उम्मीद लगाई जा रही है ये फोन पोको M2 Pro हो सकता है। तो फ्रेंड्स क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं, आप देखना चाहते हैं कि ये फोन आएगा कि नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फोन का तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि कंपनी ने उसके अलावा बताया नहीं कौन सा मॉडल होगा क्या होगा, लेकिन एक चीज की कंफर्मेशन दे दी है जो उनका ट्रू वायरलेस बड्स है पोको पॉप बड्स वो जल्दी ही होंगे भारत में लॉन्च। गूगल जल्दी ही लॉन्च कर सकता है एक डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग डिवाइस जिसमें साथ में आपको मिलेगा रिमोट कंट्रोल। ये एक लीक आई है जिसके हिसाब से पता लगा है कि जैसे क्रोमकास्ट वाला है वैसा डिजाइन भी नहीं रहने वाला है इसका, ये थोड़ा इलॉन्गेटेड लंबा सा होगा और इसमें एक डेडिकेटेड रिमोट कंट्रोल भी होगा। और साथ ही साथ बता दें जो इनका रिमोट कंट्रोल होगा उसमें कुछ डेडिकेटेड कीज हैं, लेकिन कोई भी डेडिकेटेड कीज अमेजोन या नेटफ्लिक्स के लिए नहीं होंगे। और अभी ये लीक ही है, देखते हैं ये चीज कब हिट करेगी मार्केट में। और जिसका कोड नेम दिया गया है वो दिया है सबरीना। अब ये सबरीना कब रियलिटी में मार्केट में आती है और क्या नाम के साथ आती है, सबरीना ही रहती है कुछ और होती है, वो तो समय ही बताएगा जब ये गूगल ऑफिशियली इस प्रोडक्ट को करेगा लॉन्च। सो फ्रेंड्स न्यूज फटाफट में बस इतना ही, लेकिन आपको एक और चीज बता दें, आज हमने एक वीडियो लाइव किया है जिसमें हमने आपको बताया है कि जो Xiaomi के नए लैपटॉप आने वाले हैं भारत में क्या है उनमें दम, क्या है उनमें खास और क्या लोग उन्हें पसंद करेंगे, क्योंकि प्राइस रहने वाला है थोड़ा सा हायर एंड में 45,000 से 55,000 के बीच में। वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, लिंक ऊपर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी ही मिलते हैं।